Hello everyone welcome back once again to my channel so this video is for those who find difficult to draw basic or complex products so i will create a series of videos for those who are unable to draw you know proper uh, products or you know uh, maybe it's a uh, if you want to draw simple or complex products so definitely we'll start from simple products then definitely i will uh, you know go to uh, complex more curve objects and you know uh, Complex objects. So very first. I'm just creating a cube here or cuboid here. So You know, it's basically an isometric view. So if you don't know what is isometric view, so let me know in comment section I will uh, I also created a video where I explained about perspective view and isometric view but anyways, if you don't know, then you can let me know in comment section. So I will create another video to where I will explain proper, you know, uh, about these views. So just try to if you're a very beginner or if you are just start to uh, just started to draw, you know, uh, products and all. Just try to first draw straight lines, right? Then uh, draw these things like draw cubes and cuboids. डिफरेंट सेप्स राइट सो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशल uh, होगा आपको लाइन्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एंड इन फ्यूचर आपका ज़्यादा लाइन्स में जो है कंट्रोल्स ज़्यादा ज़्यादा यू नो अच्छा हो जाएगा सो so, आप बहुत फास्ट ड्रा कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट और काफ़ी नीट ड्रा कर सकते हो राइट सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट यू नो ड्रा डिफरेंट क्यूबॉइड्स और क्यूब्स Then we'll later on will convert these things or these cuboids into a products or any shapes. So this is very first video for basic drawing. So I guess uh, those who are new or those who are just started to drawing or like you no know, just started to draw different uh, scenes, compositions or products. So it, this particular video or this series of videos is going to help you.

अगेन स्टार्ट किया हमने जैसे नॉर्मल क्यूब्स हैं देन टू फाइंड द सेंटर पॉइंट ऑफ एनी क्यूब और एनी स्क्वायर और एनी रेक्टांगल जस्ट यू नीड टू क्रॉस दिस टू पॉइंट्स देन अगेन ड्रॉ ए पैरल लाइन एंड एक साइड वाइज एक हॉर्जेंटल लाइन वर्टिकल लाइक आपको पैरल लेना है सो विल गेट देंटर पॉइंट उसके बाद जैसे आप मैं कुछ यहाँ पे अगेन एक्सप्लोर करने के लिए जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स बट इट वेरी हेल्पफुल ऑल्सो सो ऐसे ट्राई करो कुछ भी आप जैसे गाइडलाइन लेके उसको फॉलो करो और ऐसे अलग अलग सेप्स से आप नो काफ़ी इंस्पायर्ड हो सकते हो या फिर उसमें उस पर्टिकुलर शेप को आप कन्वर्ट कर सकते हो कोई प्रोडक्ट में सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है Uh, कुछ भी हम प्रोडक्ट फ्यूचर uh, में uh, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक like स्पीकर हो गया चेयर्स फर्नीचर्स कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट में सो so, उसमें यही क्रिएटिव uh, जो लाइंस हैं जो यू you नो know, uh, जो कट्स हैं वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा राइट right? तो देखिए यहाँ वंस ये हो गया फिर आपको थोड़ा सा स्मूथ जो कॉर्नर से है ध्यान से काफ़ी ज़्यादा कर्व करना है तो जनरली सो द प्रोडक्ट्स दैट यू यूज इन डेली बेसिस तो उसमें ज़्यादा शार्प कॉर्नर्स नहीं होता काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड कॉर्नर्स नहीं होता सो ट्राई टू यू नो एवॉइड शार्प कॉर्नर्स और थोड़ा सा उसको ब्लंड कर ले और थोड़ा सा उसको कर्व कर दे सो अदरवाइज अनलेस कुछ आप यू नो शार्प ऑब्जेक्ट कुछ बना रहे हो लाइन लाइक नाइफ एंड ऑल तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो अदरवाइज नॉर्मल प्रोडक्ट्स में ट्राई टू अवॉइड शार्प कॉर्नर्स और उसको थोड़ा सा कर्व कर ले सो उसके अकॉर्डिंग देखिए जैसे मैं आप अगेन एक्सप्लोर uh, कर रहे हैं हम तो हम कुछ भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ अल्फाबेट में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस राइट नाउ इट्स काइंड ऑफ लुकिंग लाइक ए लाइक एक्स अल्फ़ाबेट तो इसमें हम कुछ भी कन्वर्ट भी कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर चीज में या ऑब्जेक्ट में सो लाइंस अगेन आप अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ ड्रॉ कर रहा हूँ आप नॉर्मल पेंसिल ले लें नॉट टू डार्क पेंसिल जस्ट यूज प्री पेंसिल और यू नो मैकेनिकल पेंसिल्स मे बी सेवन पॉइंट सेवन और पॉइंट फाइव उसके बाद आप उसमें लाइक like, हैचिंग कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर रहा हूँ बट मैं उसमें कलर भी करके आपको दिखा दूंगा सेम इस प्रोडक्ट में मैं अगेन थोड़ा सा जैसे कॉर्नर्स को स्मूथ कर रहा हूँ मैं अगेन ओपर वाले कॉर्नर्स को साफ रखूँगा तो ऐसे लाइक कोई बैग में कन्वर्ट हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है राइट तो आपको ऐसे धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो लाइंस हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए कि थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस बने थोड़ा कॉन्फिडेंट हो लाइंस में लाइक वो स्ट्रोक्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और धीरे धीरे वो आएगा हैबिट्स से राइट तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है राइट सेम इसमें भी आप कुछ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो सेम जैसे यू नो you know, कोई कुछ कट ऐड करना आपको कहीं पे जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सो ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग फ्री हैंड लाइन्स भी ऐड कर सकते हो बट उसको ध्यान रखें कि उसको फर्दर जैसे आप और डिटेलिंग ऐड करोगे तो उसके सारे जो लाइन्स है वो फिर मैच होने चाहिए या फिर आपका कुछ डिज़ाइन अगर वैसा हो तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत लाइन आप यू नो डायगनल लाइन्स ऐड कर सकते हो कर्व लाइन्स और ऐड कर सकते हो सर्कल्स या डिफरेंट कुछ सेप्स आपको ऐड करना हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो आप धीरे धीरे बताऊंगा इन फ्यूचर सो लाइन्स अगेन कॉर्नर्स स्मूथ लाइक ध्यान से सेम जैसे अपर लाइन कर्व है सिमिलरली बॉटम लाइन भी उसके पैरल कर्व होगा तो उसको भी आपको ध्यान से ड्रॉ करना है और स्मूथ करना है अकॉर्डिंग टू द अपर लाइन तो गाइडलाइन आप ले सकते हो जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे और उसके बेसिस पे ही आप उसको कर्व करें सो so, और एक हम क्यूब बनाते हैं सिमिलरली उसमें कुछ मैं थोड़ा कट्स दे रहा हूँ जैसे ये स्ट्रेट क्यूबर्ड्स थे हम सपोज़ कोई अल्फाबेट बना रहे हैं सपोज़ कि उसमें जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फाबेट पी है तो जैसे यहाँ पे उसमें दो क्यूबर्ड का कॉम्बिनेसन है तो ऐसे हम देखो जैसे पूरा क्यूबर्ड तो उसको सेंटर से हमने कट करना है फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग नो ऐड कर सकते हो सेपरेट सेप्स कोई भी सेप्स ऐड कर सकते हो ज़रूर नहीं जैसे मैं ऐड करूँ सेम आपको ड्रा करें बट हाँ ऐसे आप अलग अलग ये प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट डिफरेंट सेप्स का सो यू नो इन फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो और आप अलग से कुछ प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो फिर सो यूज़ लाइट यू नो गाइड लाइन्स सो उसमें ये बेनिफिट है कि आपको आ, जो भी आप प्रोडक्ट ड्रा कर रहे हो तो आपका आ, उस पर्टिकुलर यू नो जो बॉक्स है या फिर जो क्यूबॉइड है उसके फ्रेम के अंदर हो और प्रोपोर्सन वाइज और जो लाइन्स है उसके पैरल चलते रहें तो वो प्रोडक्ट के जो एंगल्स है वो करेक्ट हो वो कुछ ऐसे गलत ना बन जाए मोस्टली ऐसे होता है बहुत ज़्यादा ड्रा करते हैं तो एकदम कुछ बहुत सारे लोग तो एडवांस प्रोडक्ट्स दे जस्ट ट्राई टू यू नो ड्रा वेरी डिफिकल्टी डिफिकल्ट प्रोडक्ट्स तो उसमें वो बन नहीं पाता बिकॉज दे डोंट नो द बेसिक्स सो इसलिए फर्स्ट इनिशियली स्टार्ट टू लर्न और लर्न द बेसिक्स फर्स्ट वंस यू डन विद द बेसिक्स और कम्फर्टेबल विद द बेसिक्स दैन गो फॉर द एडवास और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स सो so अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ड्रा करने में क्योंकि इफ़ यू डोंट नो बेसिक यू मे बी यू नो आपको लाइन्स जो है या फिर कोई कॉर्नर्स या कुछ डिटेलिंग जो प्लेसमेंट करोगे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और वो चांसेस ज़्यादा है कि वो गलत बन जाएगा फिर राइट right? तो ऐसे नॉर्मल नॉर्मल जैसे प्रोडक्ट्स हैं हम जरूर नहीं एल्फाबैट्स को कुछ भी आप प्रोडक्ट्स जैसे ड्रा कर रहे हैं कुछ भी आप नॉर्मल अगेन सेल फोन्स वगैरह कुछ ट्राई कर सकते हो या फिर नॉर्मल इविन स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले तो हम इनिशियली सबको क्यूवर्ड बनाते हैं बहुत ज़्यादा क्यूब क्यूवर्ड्स यू नो फिर धीरे धीरे उसमें ऐड करते हैं कॉर्नर्स कट्स सो इट्स वेरी फर्स्ट और वेरी बिगनिंग यू नो बेसिक लेवल का वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है खास करके जिनको आता नहीं है और जो अपने प्रोडक्ट में अपना स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए खास ज्यादा तो आगे जैसे मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगा सो उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट अगेन हम जाएंगे धीरे धीरे स्विच करेंगे फ्रॉम बिगनिंग टू तो लेके कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट तक मैंने ऑलरेडी फॉर हर वीडियो अपलोड किया हुआ है बट उसमें मैंने ड्रॉ कैसे कर तो वो नहीं एक्सप्लेन किया सो इस सीरीज़ में मैं एक्सप्लेन करूँगा हाउ टू ड्रा आज ऑल्सो विथ नो यूजिंग वेरी सिंपल टेक्निक्स सो इसलिए आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस करें सो आपको जो अपकमिंग वीडियोस है जो आने वाले हैं उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा राइट जैसे यहाँ पे भी हमने कुछ ऐड किया सपोज उसमें थोड़ा डेफ्थ दिखाया मैंने पूरा कंप्लीट डेफ्त नहीं है थोड़ा सा स्लाइटली होलो uh, दिखाया मैंने सो so, अगेन कुछ चार्जर वगैरह या कुछ भी हम इन केस इन फ्यूचर हमें uh, यूज़ करना हो तो हम ऐसे कुछ टेक्निक यूज़ करके हम उसमें ऐड कर सकते हैं सो so, अभी हम इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ हाउ टू कलर इट आल्सो यूजिंग अ सिंपल वन सेट और मैक्सिमम आप टू सेट्स यूज कर सकते हो सो अगेन यूज़ ए डार्कर कलर क्योंकि लाइट कलर में आपको प्रॉब्लम होगी कैसे मर्ज कहाँ पे हो रहा है ये सब चीज़ें करने में सो इसलिए यूज़ ए डार्क कलर नॉट ब्लैक यूज डार्क ब्राउन और जैसे मैं यहाँ पे ऑलिव ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ एंड आप यू कैन गो फॉर रेड आल्सो और डार्क ब्राउन इज सो थोड़ा डार्क कलर और यू नो बिफोर कलरिंग यू जस्ट कंसिडर एयर लाइट सोर्स एंड देन स्टार्ट कलरिंग योर प्रोडक्ट सो विदाउट लाइट सोर्स आपका प्रोडक्ट जब ड्रॉ करोगे तो मे बी वो थोड़ा गलत बन सकता है सो so, इसलिए लाइट सोर्स होना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है सो अबाउट लाइटिंग एंड ऑल मैं एक प्रॉपर एक यू uh, नो no, uh, वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आई विल एक्सप्लेन कैसे लाइट काम करता है एंड लाइट के एंगल कैसे होते हैं और कैसे हमें अरेंज करना चाहिए लाइट्स फॉर टू गेट ए बेटर लुक ऑफ प्रोडक्ट सो आई विल क्रिएट ए सेपरेट वीडियो फॉर दैट क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बहुत ज़्यादा क्योंकि यू नो लाइट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स उसका समझना और उसके अकॉर्डिंग सैडो एंड यू नो रिफ्लेक्शंस प्रोडक्ट को भी मटीरियल को भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइनी मटीरियल है या डल मटीरियल है राइट सो मैनी थिंग्स लाइट के साथ काफी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स थोड़ा हो जाता है तो आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियो जितना सिंपल हो सकता है उतना ज़्यादा सिंपल रख के राइट right, तो इससे आप अगेन ये सब बेसिक्स हैं आराम आराम से ड्रॉ करें और इसम अगर इससे भी इसमें भी प्रॉब्लम आ रही तो अगेन मैं और एक वीडियो अपलोड कर लूंगा जिसमें एकदम बेसिक्स बता दूंगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए कलरिंग खास करके पेंसिल कलर्स राइट क्योंकि जनरली बहुत सारे लोगों से मर्ज uh, नहीं होता प्रॉपर कलर्स राइट तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और धीरे धीरे ट्राई करें so, सो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे भी काम होता है कॉलेज में जाके भी काफ़ी सारा काम होता है फर्दर आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड में जाना हो डिज़ाइनिंग या फिर यू नो चाहे कोई भी फील्ड में जहाँ पे यूज़ करते हो कलर्स तो वहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा फिर तो वंस यू डन द साइड दैन जो सबसे टॉप में है क्योंकि वहाँ से लाइट सोर्स हमारा यू नो अपर साइड है तो उसके अकॉर्डिंग वो कब सबसे ज़्यादा लाइट रहेगा तो वहाँ पर बहुत ऐसे डायगनल पेंसिल्स को चलाएँ तो काफ़ी ज़्यादा लाइट जैसे अभी वीडियो में थोड़ा कम विजिबल होगा बट रियल में थोड़ा डार्क इसके कंपेरिटिवली थोड़ा ज़्यादा डार्क विजिबल होगा तो लाइट लाइट ड्रॉ करें उसको लाइट सोर्स जहाँ पे है एंड प्रोडक्ट के मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है सो so, उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे उसमें लाइट लाइक पेंसिल्स को यूज करें फिर अदरवाइज सबसे लास्ट में आपको यूज करना है उसका सैडो सो so, उसमें भी बहुत सारे वेज हैं लाइट के अगेंस्ट साइडो बनेगा और लाइट का इंटेंसिटी कितना है उसके अकॉर्डिंग नो डार्क जो है डेफ्थ होगा और साइडो का उतना नो डार्क हो सकता है लाइंस सो so, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करता है सो so, अभी यहाँ पे आपको आउटलाइन ड्रा करें और उसमें ऐसे हैचिंग लाइन्स ड्रा कर लें दैट्स इट क्योंकि हमें फोकस सिफ्ट नहीं करना है हमारे प्रोडक्ट से सैडो की तरफ इसलिए डो नाट एड डार्कर कलर्स इन योर सैडोज अदरवाइज यू नो जो फोकस होगा दैट विल बी शिफ्ट टूवर्ड्स द सैडो और डार्कर पार्ट राइट सो so सेम और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी आप उसी तरह से यूज़ कर सकते हो अगेन जैसे क्यूबॉर्ड्स हैं अगेन क्यूबर्ड्स इसलिए मैं ड्रा करके दिखा रहा हूँ कि सबसे बेसिक्स हैं ऐसे ऐसे हमें सिंपल सिंपल क्यूबॉर्ड्स से जो हम डेली यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत उसमें ऐड करके हमें कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट फिर क्रिएट uh, कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सो so इसलिए जब आप बेसिक प्रोडक्ट में आपको अगर पता चल जाएगा कलर कैसे और लाइट का सेडो का uh, सेम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में भी आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो डायरेक्ट क्योंकि एज अ डिज़ाइनर आपको कॉपी नहीं करना है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या लाइफ देख के आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो यू हैव टू इमेजिन एंड यू हैव टू रेंडर इट हो सकता है कि वो रियल ना लगे बहुत ज़्यादा बट इनिशियली नो बहुत अच्छा दिखना चाहिए क्योंकि आर्टिस्ट होते हैं वो रियल लाइक नो लाइफ ड्राॅइंग करते देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा थ्री दिखता है बट डिज़ाइनर नेवर डू दैट दे जस्ट क्रिएट न्यू डिजाइंस एंड उसमें थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंग लाइट एंड शेड होना चाहिए और उसमें आ, कौन सा वो मटीरियल है वो ज़्यादा प्रेजेंट होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइक तो डू नॉट गो फॉर एकदम हाइपर रियलिस्टिक थिंग्स दैट बिल दर आल्सो हेल्पफुल बट अगेन फॉर ए डिज़ाइनर पर्पज और उनके अकॉर्डिंग्स व्यूज है दट दे डोंट हैट मीस टाइम टू क्रिएट ए रियलिस्टिक

एंड लेट सैडो तो सैडो में जैसे मैं इसमें प्रोडक्ट थोड़ा सा इंक्लाइन दिखा रहा हूँ जैसे यू नो फ्लोर पर या फिर सर्फेस में टच नहीं कर रहा जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट था हमारा सिमिलरली इसमें थोड़ा लिफ्ट हुआ हुआ है सो उसमें भी बहुत सारे एंगल के अकॉर्डिंग सैडो भी चेंज हो जाएगा दट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इन अपकमिंग वीडियोज़ सिमिलरली इस प्रोडक्ट में भी सेम उसी कलर को यूज़ करके ही तो लाइट अगेन राइट साइड है तो जैसे कट जा रहा है लाइट के अगेंस्ट है तो ये ज़्यादा डार्क बनेगा और उसके जो नीचे जो यू नो जो कट है वो लाइट रहेगा क्योंकि वो लाइट के यू नो अकॉर्डिंग फेस कर रहा है लाइट को सो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोटिस करना कि कौन सा एंगल लाइट को फेस कर रहा है या फिर कौन सा एंगल लाइट के अगेंस्ट है डार्क कहाँ पर होना चाहिए तो ट्राई टू अब्जॉर्व थिंग्स दैट यू जनरली सी इन योर डेली लाइफ राइट सो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हेल्प uh, रहता है मतलब हेल्प मिलता है बहुत ज़्यादा टू यू नो ड्रॉ योर ओन इमेजिनरी प्रोडक्ट नहीं ये वाला पार्ट काफ़ी लाइट रहेगा फिर ऐसे फिर अपने अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू कर सकते हो जैसे बॉटम लाइन्स थोड़े ज़्यादा डार्क हो सकते हैं राइट right? सो डू प्रैक्टिस लाइक दिस और भी बहुत सारे सेफ्स बनाए और भी बहुत सारे यू नो अलग अलग प्रोडक्ट्स का ट्राई कर सकते हो या सेफ्स ट्राई करो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो लाइंस देन मैं और भी अपलोड करूँगा वीडियोस तो आपको फिर वहाँ पे लैक नहीं होकर हो गए आप तो आप यू नो कंटिन्यू कर सकते हो साइड बाय साइड तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज़ आप इन फ्यूचर जो वीडियोस में अपलोड करूँगा वहाँ पे आपको ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अदरवाइज़ अगर आपका लाइन क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा फिर फास्ट ऐसा लगेगा आपको फास्ट जनरल में स्लो कराऊंगा बट स्टिल अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको वहाँ पे लैक करने लग जाओगे कलरिंग में ड्राइंग में राइट तो इसलिए ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन राइट देन हम कलरिंग एंड बाकी सब चीज़ें भी धीरे -दे धीरे मैं अपलोड करूँगा सो थैंक यू सो मच काइज फॉर वॉचिंग डू द होल वीडियो यू सो न्यू वीडियो टेक केयर एंड गुड बाय